हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज का मेरा ये वीडियो ना ही कोई वर्कशीट है और ना ही एक्सप्लेनेशन वीडियो है। आज का ये वीडियो प्रैक्टिकली हम बच्चों को स्पाइसेस के नेम कैसे सिखा सकते हैं उसी पे बेस्ड है। ये कुछ स्पाइसेस हैं हमारे पास जो कि हर इंडियन किचन में यूज़ होते हैं, तो आई थिंक बच्चों को कुछ के नाम तो इनमें से पता होने ही चाहिए। उसी पे आज का मेरा ये वीडियो बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे जो कॉमनली रोज़ हमारे घर में 3 to 4 times यूज़ होता है या एक या दो बार तो पक्का यूज़ होता है, वो है हमारा जीरा। ये देखिए, आप ध्यान से जीरे को देखिए और ऐसे ही आप बच्चों को दिखाइए इसी तरीके से। और कई बार बहुत सारे स्पाइसेस को हम स्मेल करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये है हमारा जीरा, जिसको कि हम इंग्लिश में क्यूमिन कहते हैं। नेक्स्ट जो इसी सीरीज़ में है, दैट इज़ कोरिएंडर सीड्स। ये हमें लीफी फॉर्म में भी मिलता है, जिसको कि हम वेजीज में ऊपर से उसको गार्निश करने के लिए यूज़ करते हैं। बच्चों को वो ग्रीन वाला तो पता ही होता है कि वो धनिया है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उसको खाना नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं। बट ये जो सीड्स होते हैं, इनके बारे में उन्हें नहीं पता होता है। तो आप ऐसे उनको अच्छे से ये समझा सकते हैं कि बेटा, ये जो सीड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कोरिएंडर, बट दीज आर सीड्स। और हम इसका, इन्हीं सीड्स को का जो पाउडर फॉर्म होता है, वो भी हम हमारे वेजीज में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कुछ स्पेशल जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि बॉटल गर्ड, पम्पकिन, हम इनमें यूज़ करते हैं ये। और जो पिकल्स प्रिपरेशंस होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। ये है मेथी दाना, जिसको कि हम फेन्युग्रीक सीड्स बोलते हैं। ये भी लीफी फॉर्म में मिलता है, जो कि अभी विंटर्स में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं। बट आप ऐसे ड्राई जो सीड्स हैं, वो भी बच्चों को बताएं कि दीज आर ऑल्सो फेन्युग्रीक सीड्स। नेक्स्ट जो है, जो कि हम टी प्रिपरेशंस में यूज़ करते हैं, वो है हमारी इलायची। ठीक है, दैट वी कॉल एज कार्डिमम। ये इलायची होती है और इसमें से आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि ऐसे इसमें से हम सीड्स जो निकलते हैं, क्रश करते हैं और फिर हम इन्हें यूज़ करते हैं। और इसका भी पाउडर फॉर्म भी मार्केट में अवेलेबल होता है, कई घरों में लोग उसे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसी सीरीज़ में है, वो है हमारी ये ब्लैक स्मॉल बॉल टाइप जो स्पाइसेस है, दैट वी कॉल ब्लैक पेपर, जो कि काली मिर्च होती हैं। इनको बच्चे देखते तो हैं पर इनका नाम वो नहीं जानते हैं, जिन्हें इन्हें हम काली मिर्च कहते हैं और इंग्लिश में इनको हम ब्लैक पेपर कहते हैं। उसका पाउडर फॉर्म भी हम घरों में यूज़ करते हैं, चाट मसाला के लिए, रायताज में, चटनीज में और चाय में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, वो है हमारा ये बहुत ही छोटे छोटे जो गोले हैं, दीज आर मस्टर्ड सीड्स। ओके, ये सरसों के दाने होते हैं, जिन्हें हम मस्टर्ड सीड्स बोलते हैं। ये किसी किसी वेजेस में और बहुत सारे फूड आइटम्स में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आप इसी सीरीज़ में देखिए, हमारे ये जो लौंग है, ये देखिए, ये भी हम टी प्रिपरेशंस में यूज़ करते हैं, पुलाव वगैरह में डालते हैं। बट ये सभी के घरों में होती हैं और हम जो इंडियंस होते हैं, ये काफ़ी इनको यूज़ करते हैं। इनका इंग्लिश नेम होता है क्लॉव्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस वन, दीज आर कैरम सीड्स। ये देखिए ध्यान से, जिनको कि हम अजवाइन कहते हैं। ये पूरी में और भी बहुत सारी चीज़ों में हमारे घरों में यूज़ होती है, जिनको कि हम कैरम सीड्स कहते हैं। नेक्स्ट इन दिस सीरीज वी हैव दिस वन, ये देखिए गौर से देखिए, दीज आर, इनको हम हिंदी में राई कहते हैं, जो कि पिकल प्रिपरेशंस में मोस्टली यूज़ होती हैं। अब आपको राई में और जो ये मस्टर्ड सीड है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सरसों के दाने, ये देखिए दोनों में फ़र्क देखिए, ये सरसों के दाने होते हैं। लुक एट दिस, दीज ब्लैक बिग बॉल्स एंड ये जो स्मॉलर बॉन्स हैं, सीड्स हैं हमारे यहाँ पे छोटे छोटे एकदम ब्राउनिश, वो है राई, जिनको कि हम इंग्लिश में रे कहते हैं। देखिए,
इसलिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आप देखिए ये वाले जो होते हैं छोटे से ब्लैकिश जो सीड्स आपको दिख रहे हैं ये होती है हमारी कलौंजी। एकदम ब्लैक होते हैं ये, देखिए ये होती है हमारी कलौंजी जिसको कि हम नाइजेला सीड्स कहते हैं। तो ये कुछ स्पाइसेस थे जिनके नेम बच्चों को आने चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ऑन वॉचिंग बॉन्ड ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।